जाइए, अल्बानिया, रोमानिया, बल्गारिया के साथ मुल्क लगा हुआ है, यूरोप का मुल्क है, यूरोप का मुल्क है। इटली के बिल्कुल सामने, बीच में समंदर है, इटली के सामने अल्बानिया है। आज से 600 बरस पहले अल्बानिया के दो आदमी ज्यारत करने के लिए कर्बला गए थे। जब हजरत अब्बास के रोजे पर पहुंचे तो वहां के खुदाम ने कब्रे हजरत अब्बास की थोड़ी सी खाके शिफा उनको तोहफे में दे दी। जब वो लेकर अल्बानिया वापस आए तो आज से 600 साल पहले अल्बानिया का जो बादशाह था उसको पता चला कि ये दो आदमी कर्बला से अब्बास की कब्र की खाक लाए हैं। उन्होंने उसे अपने घर में रखा था, वहां अल्बानिया के लोग ज्यारत करने जाते थे। ये सब कुछ नेट पे पढ़ा है, किताब पढ़ने की जरूरत नहीं, लेकिन किताब में बता दूं, अल्बानी जबान की किताब लंदन से छपी है, मोजिजात हजरत अब्बास, उस पे हजरत अब्बास की छवि बनी है, हजरत अब्बास के हाथ में अलम है। टाइटल आपको बता रहा हूं, किताब आपको नेट पे मिल जाएगी। बादशाह को पता चला, उसने कहा भाई ये तुमने अपने घर में रखा है, इसको तो एक बुलंदी पर रखना चाहिए और किसी बुलंद मकाम पर इस खाक को रखो। तो जो सबसे ऊंचा पहाड़ था अल्बानिया का, उसकी बुलंदी पर एक रोजा बनवाया गया। वो रोजा तस्वीर उसकी आपको मिल जाएगी नेट के ऊपर, सब्ज गुंबद है उसका, वहां वो खाक रखी गई। बादशाह खुद ज्यारत करने गया, फिर सारे अवाम गए, फिर उन्होंने हजरत अब्बास को पुकारा। अब ये अल्बानिया वालों का अकीदा है, किसी के अकीदे में हमें बोलने का हक नहीं है, जो हमारा अकीदा वैसे ही दूसरों के अकायद हैं। ये कौम जिसका नाम बख्ताशी कौम है, खे आता है, बेखे बख्ताशी कौम जो अल्बानिया में आबाद है, उन्होंने पुकारा कि अब्बास हम गरीब हैं। हुक्मरानों को भी पढ़ना चाहिए कि गरीब हुकूमत अमीर कैसे हो जाती है। बख्ताशी कौम के ज्यादा अफराद इस वक्त तुर्की में रहते हैं, कुछ यूरोप में रहते हैं, कुछ इंग्लैंड में हैं, कुछ फ्रांस और जर्मनी में हैं, लेकिन भरी हुई है अल्बानिया में बख्ताशी कौम। उन्होंने हजरत अब्बास को पुकारा, उनका अकीदा है, उनका अकीदा है कि हमारे बुलाने पर अब्बास आए, घोड़े पर सवार थे, दोनों बच्चे घोड़े पर उनके साथ बैठे थे, वो आए और हमको उन्होंने दुआ दी, आज हम अमीर तरीन कौम हैं। अब्बास की वहां पर शबीहें लगी हैं। बेल्जियम का एक जायद आया ईसाई, उसने बख्ताशियों से पूछा कि जिसने जिसने हजरत अब्बास से देखा वो मंजर कैसे, तो पूरा कैसा था, अब्बास कैसे थे। जो जो लोग बयान करते गए, उसने तांसी का यानी तांबे का एक मुजस्मा बहुत बड़ा घोड़ा बना दिया आर्टिस्ट ने, उसपे हजरत अब्बास ने दिखाया दोनों बच्चों को। लेकिन कमाल ये किया बेल्जियम के मुसव्विर ने, तो हजरत अब्बास सिपर लगाए हुए हैं, उसके ऊपर उसने अरबी में लिखा वलीउल्लाह, और जो परचम अब्बास के हाथ में है वो बेल्जियम के आर्टिस्ट ने उस पर लिखा ला इलाहा इल्लल्लाह, और जहाँ के पैर है वहाँ अब्बास की फौज मुसव्विर ने दिखाई, उस पर कुरान की आयत लिखी ला हो ला बला हो अल्लाह अल्लाह की ताकत से बड़ी ताकत किसी की नहीं।